पहले तो बधाई आपको सुप्रिया जी, आपने हिमाचल में अच्छा परफॉर्म किया है और हमारे एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक 40 सीटें आ रही हैं, स्पष्ट जनादेश है। लेकिन गुजरात को लेकर चर्चा खूब है क्योंकि एक रिकॉर्ड बना है, 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कोई विपक्षी पार्टी उसे भुना नहीं पाई और बहुत बड़ी जीत रिकॉर्ड बनाया है वहां पर 27 साल सत्ता में रहने के बाद। फिर अगले 5 साल के लिए 7वीं बार सत्ता पर बीजेपी काबिज हो रही है, 77 से फिसल कर 17 पर वहां अटके। दोनों पर आपकी टिप्पणी, हिमाचल में क्या रिवाज कायम रहा और गुजरात में क्या प्रो इनकम्बेंसी इस बार हो गया? बहुत धन्यवाद आपका शो पर बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपकी बधाई स्वीकारती हूँ हिमाचल के लिए, और हिमाचल में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, स्पष्ट बहुमत की तगड़ी सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 18 सीट डाउन नहीं है, 6% वोट शेयर भी घट गया है, ये बताना जरूरी है। हिमाचल की देवतुल्य जनता ने देवभूमि में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है, तो मैं जनता का अभिवादन करती हूं। और एक बात कुछ भी कहने से पहले जरूर कहूंगी कि हिमाचल का चुनाव हमने हिमाचल के मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे खिलाफत हो अग्निवीर की, चाहे सेब के बागानों की समस्या, उसी पर मुखरित रहे। और ये मेहनत थी वहां के नेताओं की, और ये नेतृत्व प्रियंका गांधी जी का, जिन्होंने उस पूरे कैंपेन को स्फूर्ति दी। मैं बहुत खुश हूं हिमाचल के रिजल्ट्स को लेकर, और कहीं पर दंभ भी टूटा क्योंकि जो सेहरा यहां पर मोदी जी को बांधा जा रहा है, तो मोदी जी ने तो अपने व्यक्तिगत तौर पर वोट हिमाचल में भी मांगे थे और अपना टाइम भी याद दिलाया था। ये तो गृह राज्य है अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, उन्होंने खूब टिकट में अदल बदल भी किया था। तो अब ये जिम्मेदारी किसकी तय होगी मुझे नहीं पता, ये सवाल पूछा भी जाएगा कि मुझे नहीं पता। जहां तक गुजरात की बात है, और आपका बिल्कुल सही कहना है, ये बिल्कुल प्रचंड जीत है भारतीय जनता पार्टी की, ऐतिहासिक जीत है, मैं उनको इस पर मुबारकबाद देती हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर शिकस्त कुछ सिखाती है, और आज हमारे लिए आत्मचिंतन करने की, आत्ममंथन करने की बहुत जरूरत है। हमें लगता है कि हमें शायद पूरी तरह से एक नई परिकल्पना करनी पड़ेगी, नई सोच के साथ, शायद नए मुद्दों के साथ इस अगले चुनाव में जाना होगा, जनता से पुनः सामंजस्य स्थापित करना होगा। लेकिन जिस लहजे में मैं भारतीय जनता पार्टी को उनकी प्रचंड जीत की बधाई दे रही हूं, उसी चिंता के साथ मैं एक बात और कहती हूं, 150 नहीं 154 या जो भी आप सीटें दिखा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, बधाई हो उनको, लेकिन गुजरात के मुद्दे जस के तस हैं। 40 लाख अभी भी बेरोजगार है, मोरबी में करीब 150 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है किसी को नहीं पता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी से जो तमाम काम धंधे बंद हो गए, किसी का उसका लेना देना नहीं है, और गुजरात मानव विकास सूचकांक में बहुत सारे प्रदेशों से अभी भी बहुत पिछड़ा है। तो मैं बधाई के साथ साथ ये भी कहना चाहूंगी कि गुजरात की सरकार इस बार सिर्फ नैरेटिव सेटिंग ना करे, थोड़ा गुजरातियों के लिए भी काम करे, और आम आदमी पार्टी के लिए एक ही लाइन कहूंगी कि उनके गुब्बारे की जो हवा है वो जनता ने निकाली है हिमाचल से लेके गुजरात तक, और दिल्ली में जिताकर जनता ने यह संकेत दिया है कि पहले दिल्ली की समस्याओं का समाधान करिए, बाकी जगह किलाबंदी करने की बात बाद में करिएगा। ठीक है, गौरव जी आएंगे तो उनसे चर्चा करेंगे जो आपने गुजरात को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जैस्मिन शाह साहब, हवा निकाल दी जनता ने, आम आदमी पार्टी ने तो शायद डिपॉजिट अपना तमाम सीटों पर हिमाचल में खोया होगा, यहां पर भी वही हाल है, और लिखकर आप लोग दे रहे थे सरकार बनाएंगे। अब सवाल यह है कि कांग्रेस को पूरी तरह से जो आप लोग धत्ता बता रहे हैं उससे इत्तेफाक नहीं रखती है सुप्रिया जी, अगर ये जनता ने बता दिया आपको आपकी जगह? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हमारे लिए, आम आदमी पार्टी के लिए और देश की जनता के लिए और देश की राजनीति के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बनी है। 10 साल में वो इकलौती पार्टी है जो 10 साल में केवल उसने नेशनल पार्टी का स्टेटस हासिल किया है। इसके लिए पहले मैं गुजरात की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 13% वोट शेयर पहले ही चुनाव में ले पाना, मतलब 40 लाख गुजरातियों ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का दामन थामा, मेरे ख्याल से ये छोटी बात नहीं है, और सुप्रिया जी को उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम जरूर सीखेंगे, हमारी ये पहली शुरुआत है, यहाँ पे 27 साल से भाजपा का राज है, लेकिन ये हमारी सफलता है कि इस चुनाव के कैंपेन में पहली बार शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पे डिस्कशन हो रहा था, पहली बार मोदी जी
आए तो थे लेकिन उन्होंने स्कूल में भी जाना उचित समझा। अरे तो सर, वो तो फिर हमने बिजली की तस्वीरें बात दिखाई थी, हैं, पानी की बात प्रधानमंत्री थी, उससे तो पहले ये भी जो स्कूलों में गए हैं, लेकिन इस बार स्कूल में गए तो आपने अंजना प्रचार जी, कर दिया कि आपके स्कूल में अंजना जाने की जी, वजह से जा रहे हैं, उसका तो फैक्ट चेक हो गया है। क्यों नहीं एक ही बिल्कुल बात को मैं आप लोग बार बार दोहराते हैं, फैक्ट नहीं चेक हो क्यों चुका नहीं है सर। दोहरा,